नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए रस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें एक लड़की खड़ी है जिसका नाम अटवी है और एक लड़का खड़ा है जिसका नाम कांतार है। ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, पता नहीं किस बात पर झगड़ रहे हैं। और अटवी का जो भाई है बिपिन, वो एक पेड़ के पीछे छिपकर इन दोनों की बातें सुन रहा है। ये दोनों झगड़ रहे हैं और तो अब बिपिन आते हैं अटवी के पास और अटवी से कहते हैं उनके कानों में, अटवी के कानन में जाके एक बात कहते हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कानन में कह दिया, तो अटवी के कानन में कहते हैं कि इसे आज जाने दो, इसे कल देख लेंगे। क्या कहा? इसे आज चले जाने दो, इसे कल देख लेंगे। तो ये सब एक अरण्य में हो रही घटना थी और अब मैं आपको बताऊं, ये कोई घटना नहीं थी, ये जो भी आपको दिख रहा है ये सब वन के पर्यायवाची हैं। ऊपर लिख के आ गया वन। तो ये मैंने जितने भी आपको बताए हैं करेक्टर, बिपिन, कानन, अटवी, कांतार, अरण्य और जंगल, ये सब वन के पर्यायवाची हैं। कहानी से आपको जल्दी याद हो गया होगा, तो आइए अब शुरू करते हैं रस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा, रसों के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा की, तो आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसों की परिभाषा और रसों को कैसे पहचानना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला रस है वो है श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस देखते हैं क्या है। साहित्य में स्त्री पुरुष या नायक नायिका के बीच होने वाले प्रेम के वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। तो देखिए, कोई भी काव्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्त्री पुरुष या प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्रेम का वर्णन दिया जाएगा उसे ही हम श्रृंगार रस कहेंगे और इसका स्थायी भाव ही रति अथवा प्रेम है। मान लीजिए आप किसी काव्य की 10 या 15 लाइन पढ़ेंगे तो आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही स्थायी भाव होता है। आपने कोई काव्य पढ़ा 10 लाइन का तो आपको हंसी आ गई तो वो हास्य रस में चला जाएगा, आपको रोना आ गया तो करुण रस में चला जाएगा, आपको घृणा सी हुई तो विभत्स रस में चला जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग रसों के अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। जब आप किसी काव्य को पढ़ेंगे और आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा तो वह आपका श्रृंगार रस होगा। देखिए, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर मैंने लिखा है विप्रलम्ब श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को ही विप्रलम्ब श्रृंगार रस कहते हैं। तो यह भी परीक्षा में एक आने वाला प्रश्न है, कभी कभी वियोग ना लिख कर विप्रलम्ब श्रृंगार रस लिख देते हैं जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जरूर इसके साथ लिख लेना, वियोग विप्रलम्ब एक ही होता है और संयोग श्रृंगार रस, जैसा कि आप शब्द से ही समझ गए होंगे, संयोग का अर्थ होता है मिलना। तो जब मिलने की बात होगी प्रेमी प्रेमिका की तो संयोग श्रृंगार रस होगा, जब बिछड़ने की बात होगी या अलग होने की बात होगी तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा आपका। लेकिन या मिलना हो या बिछड़ना हो, प्रेम दोनों जगह होगा। अगर मिलेंगे तब जो कंडीशन होगी, जैसे मिलेंगे तब भी प्रेम उत्पन्न होगा, या बिछड़ेंगे तब भी प्रेम से ही बिछड़ेंगे या प्रेम की तड़प में बिछड़ेंगे, तब आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। तो आइए अब इन दोनों रसों के एक एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो आइए देखते हैं इन दोनों के एक एक उदाहरण। संयोग श्रृंगार रस पर चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सिय सुंदर मंदिर माही, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। देखिए, ये स्वयंवर का बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया है कि दूल्हा प्रभु श्री राम बने हैं और दुल्हन सीता मैया बनी हैं और राम के रूप निहारत जानकी, प्रभु श्री राम जी का रूप है वो जानकी निहार रही हैं किसमें, कंगन के नग की परछाई।
जो कंगन माता सीता ने पहने हुए हैं उसके नग में प्रभु श्री राम का चित्र बन रहा है और उसी में उन्हें निहार रही हैं। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है और इसे पढ़कर ही हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ होगा आप सभी के। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस हो रहा है। संयोग इसलिए है क्योंकि मिलने जा रहे हैं दो लोग, इसलिए संयोग होगा। और अगला देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। यहाँ पर प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, पशु और पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने माता सीता को देखा है? यहाँ पे भी प्रेम है, प्रेम से ढूंढ रहे हैं, तड़प के ढूंढ रहे हैं, लेकिन अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस अथवा विप्रलम्ब श्रृंगार रस होगा। विप्रलम्ब अवश्य याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में विप्रलम्ब ही लिख देते हैं और आप लोग उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, और उसका वही होता है। वियोग श्रृंगार रस और करुण श्रृंगार रस में थोड़ा सा मैच होता है, लेकिन ध्यान रखना वियोग श्रृंगार रस जब भी होगा वहाँ पे प्रेम का वर्णन होगा, प्रेम की बात होगी, करुण रस में ऐसा नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं अगला रस जो कि है हमारा हास्य रस। तो आइए अब देखते हैं हास्य रस। देखिए हास्य रस की परिभाषा क्या है, अनुचित आचरण एवं विकृत चेष्टाओं के चित्रण से जो रस उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जो आपको देखने में विकृत लगे, आपको देख के ही हंसी आ जाए, ऐसा कुछ अजीब सा वेशभूषा कोई धारण किए हो, उसे देखकर आपके मन में हास्य रस उत्पन्न होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी हो जाएगा। देखिए विभाव क्या होता है, मैंने आपको अगली वीडियो में समझाया था कि विभाव होता है रस से उत्पन्न होने का कारण, रस किस कारण से उत्पन्न हो रहा है उसे विभाव कहते हैं। तो यहाँ पर विभाव हो जाएगा, हंसा देने वाली चेष्टाएँ जो होंगी वो विभाव हो जाएंगी। अनुभव मैंने बताया था, अनुभव होता है आपके शरीर का जो हाव भाव होता है, आप उस कंडीशन को देखकर जिस प्रकार का रिएक्शन देते हैं वो अनुभव होता है। तो यहाँ पर अनुभव होगा हास्य रस में खिलखिलाना, आप हंसेंगे किसी देख कर तो आपका जो भाव होगा वो हंसने का होगा। तो हास्य रस का अनुभव खिलखिलाना हो जाएगा। संचारी भाव मैंने आपको बताए थे 33 होते हैं, जो कि मैंने नहीं लिखाए थे, सिर्फ संख्या पूछी जाती है। तो हास्य रस के जो स्थायी जो संचारी भाव हैं वो हो जाएंगे आपके चपलता और हर्ष। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है बिंद के बासी उदासी। बिंद के बासी यहाँ पर प्रयोग किया गया है तुलसीदास के लिए। बिंद के बासी उदासी तपोवृतधारी महाबिनु नारी दुखारे। तपोवृत बहुत बड़े तपी इंसान और बिना नारी के दुखी हैं। ये एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना पूछते हैं बिंद के वासी उदासी में कौन सा रस है, और लोग देखते हैं उदासी लिखा है तो करोड़ रस लगा कर चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिंद के वासी उदासी तुलसीदास जी दुखी हैं बिना नारी के, तो ये हंसने वाली बात होगी, बिना नारी के दुखी है, तो यहाँ पर आपका हास्य रस होगा। एक एग्जाम्पल और दिया गया है इसका, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देखी दशा हरिगढ़ मुस्काही। यहाँ पर तो मुस्काही साफ साफ लिखा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे तो हास्य रस हो जाएगा। ऊपर वाला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं, एक लाइन लिख के देगा बिंद के बासी उदासी में कौन सा रस है, और लोग उदासी देखकर सीधा करुण या वियोग श्रृंगार लगाएंगे, जो कि आपका गलत होगा। याद रखिएगा नीचे वाली लाइन तपोवृतधारी महाबिनु नारी दुखारे, बिना नारी के दुखी हैं तुलसीदास जी, तो यहाँ पर आपका हास्य रस हो जाएगा। जो नीचे वाला उदाहरण दिया गया है इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है, किसी दिन बाद में समझाऊंगा, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और साथ ही साथ जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखते जाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखते रहिए साथ साथ, बहुत अच्छी परिभाषा मैं शुद्ध शब्दों में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो साथ ही साथ लिखते चलिएगा। आइए अब देखते हैं तीसरा रस जो कि है हमारा करुड़ रस। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब तीसरा रस जो कि है हमारा करुड़ रस। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, साहित्य में दुखद घटना या प्रसंग के वर्णन से जो रस उत्पन्न होता है उसे करुड़ रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। विभाव के दो प्रकार आलम्बन और उद्दीपन में इसका आलम्बन हो जाएगा जिससे वियोग हो, जैसा कि मैंने पहले बताया जो कारण होता है वो आपका आलम्बन होता है। उद्दीपन जो उस माहौल को जो इस परिस्थिति को और ज़्यादा बढ़ा दे उद्दीप्त कर दे वह उद्दीपन होता है। तो यहाँ पर जो वस्तुओं का चित्रण होगा जो उन चीज़ों को बढ़ा रहा होगा
वह आपका उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव जैसा मैंने आपको बताया था अपनी लैंग्वेज में कि जो हाव भाव होते हैं मनुष्य के वही अनुभाव होते हैं। तो जो हाव भाव होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, मूर्छित होना या रोना किसी का, इसके संचारी भाव चिंता ग्लानि। ये मैं संचारी भाव में आपको लिख कर दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी पूछेगा संचारी भाव की संख्या पूछेगा कितनी होती है, और आप सबको पता है कि 33 होती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। देर हुई अब तक नहीं लौटा हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे अब धीर। ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी बेहोश होते हैं, तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अभी तक हनुमान जी नहीं लौटे हैं, बहुत देर हो गई है, अब मेरा हृदय किस प्रकार से धीर रखे, किस प्रकार मैं अपने आप को संभालूँ। तो यहाँ पर जो वर्णन है बहुत दुखद वर्णन हो रहा है, चिंता में है। तो यहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा, करुण और वियोग में कन्फ्यूज मत होइएगा। वियोग रस में प्रेम का भाव जरूर होगा, और करुण रस में प्रेम का भाव नहीं होता है बल्कि शोक होता है, तो ये याद रखिएगा। तो आइए अब देखते हैं अपना फोर्थ रस। तो आइए अब देखते हैं वीर रस। वीर रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, युद्ध धर्म दान और दया के प्रसंगों में किसी नायक की चेष्टाओं के चित्रण में वीर रस उत्पन्न होता है। देखिए जब किसी युद्ध की बात की जाए, किसी को ललकारा जाए, तो वहाँ पर वीर रस की बात होती है। इसका स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। जब आप वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं तब आपके मन में उत्साह आता है देश के लिए। जब आप देशभक्ति की कविता पढ़ते हैं तो आपके मन में उत्साह आता है। इसके विभाव में आलम्बन और उद्दीपन के अंदर आ जाएगा। आपका आलम्बन जो होगा, कारण जो होगा युद्ध का या उस रस का, तो वह हो जाएगा शत्रु या याचक। और उद्दीपन जो उन जो उस परिस्थिति को बढ़ाएंगे वो होंगे उस शत्रु की चेष्टाएं जो आपके प्रति गलत सोचेगा, या उस याचक के वचन जो ऐसे वचन निकालेगा अपने मुख से जो कि आपको लड़ने पर विवश करेंगे, जो आपको उत्साहित करेंगे लड़ने पर। तो इसका अनुभव हो जाएगा मुंह लाल होना, संचारी भाव गर्व हर्ष उत्सुकता। लिखते चलिएगा साथ साथ, नोट्स अच्छा बनाते चलिएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जो राहुल अनुशासन पाऊँ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊँ। लक्ष्मण जी ने कहा है प्रभु श्री राम से, जो तुम्हारी आज्ञा हो प्रभु, तो मैं इस पृथ्वी को गेंद के समान उठा लूँ। तो दोस्तों ये रहा वीर रस आपका। देखिए अच्छे समझ में आ गया होगा, उत्साह की बात जहाँ पे होती है वहीं पे वीर रस होता है। लड़ाई झगड़े में युद्ध जो याचक होता है, जो युद्ध करता है, उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, जो बोलता है, जो आपको ललकारता है, जिससे आपके मन में उत्साह आता है, आपको जिसका अनुभव जो आपके हाव भाव होंगे वो मुँह लाल हो जाता है आपका गुस्से में। जो अनुभव मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुभव का सीधा सा मतलब होता है आपके हाव भाव, तो मुँह लाल होना मतलब समझ जाइएगा आपका जब मुँह लाल हो रहा है तो आपके अंदर उत्साह आ गया है और वीर रस उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर। तो इसका उदाहरण भी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, कंदुक का मतलब होता है गेंद। देखिए दोस्तों चार रस मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे और साथ ही साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि ना लिखने से आपको हमेशा के लिए याद नहीं होगा। तो लिखते ज़रूर चलिएगा साथ साथ। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो को पुश करके उसके बाद लिख लीजिए। तो आइए अब चलते हैं अगले रस की तरफ। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा, असाधारण अपराध, अभद्र विवाद अथवा उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न हुए मनोविकार को क्रोध कहते हैं, और इससे जो रस उत्पन्न होता है वह आपका होता है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है, और विभाव में अगर हम लोग देखें तो आलम्बन और उद्दीपन में इसका आलम्बन हो जाएगा शत्रु या अपराधी, जो कि उस क्रोध का कारण होगा, और उद्दीपन में आपका हो जाएगा उस शत्रु या अपराधी द्वारा किए गए अनिष्ट कार्य। वह कार्य करेगा जिसे देखकर आपको क्रोध आएगा, वह आपका उद्दीपन होगा जो उस परिस्थिति को बढ़ाएगा, उद्दीप्त करेगा, और जो उसका कारण होगा वह आपका शत्रु या अपराधी हो जाएगा जो कि आलम्बन में आता है। अब अनुभव देखते हैं। तो अनुभव क्या होगा, जब आपको क्रोध आएगा तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ अनुभव को आप हाव भाव से देखिए, हाव भाव क्या होगा, आँखों का लाल होना।
संचारी भाव, उद्वेग और उग्रता है इसके, लिख लीजिएगा। उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये देखिए, इसमें तो क्रोध आ रहा है, लिख के आप से समझ जाएंगे कि क्रोध है तो रौद्र रस होगा। रौद्र को आप रुद्र से जोड़ सकते हैं, और रुद्र के किसे कहते हैं, भगवान शंकर को, और उन्हें तो गुस्सा आता ही है, तो यहाँ से आपका रौद्र रस हो जाएगा। उदाहरण में कुछ समझने लायक नहीं है, उस काल मारे क्रोध के क्रोध शब्द आ रहा है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रौद्र रस ही होगा। अब आइए देखते हैं अपना अगला रस। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी भयानक वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जिससे मन में भय आ जाए, वह भयानक रस उत्पन्न करता है। इसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। विभाव जो कारण है वह हो जाएगा लहरों का गरजना। अनुभव आपके जो हाव भाव हैं वह होंगे डर जाना, आप डर जाएंगे, और संचारी भाव भय और चिंता हो जाएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। देखिए, पढ़कर मन में भय स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, उधर सिंधु की लहरें गरज रही हैं, कुटिल काल के जालों सी, काल के जालों के समान, चली आ रही फेन उगलती। फेना जो जब आती हैं लहरें, तो उसमें देखा होगा आपने, फेना फेना सा हो जाता है। फन फैलाए ब्यालों सी, फन फैलाए चली आ रही हैं उधर से, तो ये पढ़कर ही मन में भय उत्पन्न हो रहा है, इससे यहाँ पर भयानक स्थायी जो भयानक रस है आपका वो हो जाएगा। इसका स्थायी भाव भय है। परीक्षा की दृष्टि से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते हैं ज़्यादा, ना इसका स्थायी भाव ना इसके उदाहरण। परीक्षा की दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण हैं, वो जब मैंने पहली वीडियो में आपको बताए थे, तब मैंने स्टार लगवा दिए थे उन पर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। तो आइए अब देखते हैं विभत्स रस। इसकी परिभाषा है, गंदगी, खून, मवाद, दुर्गंधपूर्ण वस्तुओं और निर्लज्जता आदि को देखने या सुनने से मन में उत्पन्न हुए मनोविकारों को जुगुप्सा कहा जाता है, और इससे जो रस उत्पन्न होता है वह विभत्स रस होता है। देखिए, जब भी किसी ऐसी वस्तु का वर्णन हो जिससे आपको घृणा आ जाए, जिससे आपको दूर होने का मन करे, जिससे आपको घिन लगे मन ही मन में, वह विभत्स रस होगा। और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा पेपर में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस हो जाएगा, या विभत्स रस का स्थायी भाव पूछ देंगे तो जुगुप्सा हो जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब नाम है, इसलिए बहुत पूछते हैं परीक्षा में। जुगुप्सा का अर्थ घृणा भी होता है। तो आइए देखते हैं इसके विभाव, आलम्बन और उद्दीपन में क्या है। आलम्बन जो है वो कारण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कारण हो जाएगा मांस मज्जा या रक्त आदि, और उद्दीपन होगा जो उस परिस्थिति को बढ़ाएगा, वह हो जाएगा कीड़े पड़ना। ये आलम्बन और उद्दीपन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं नीचे उदाहरण लिख रहा हूँ। आइए अनुभाव देखते हैं, नाक सिकोड़ना और संचारी भाव आवेग और ग्लानि हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, सिर पे कौआ बैठा है और दोनों आंखें निकाल निकाल के खा रहा है, अति जीव ही खींचत सिहार, जो सिहार है वो जीव को खींच रहा है मुंह से, अति ही आनंद उर्धारत, और अपने उर मतलब हृदय में बहुत आनंद प्राप्त कर रहा है, ऐसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये सुनकर ही मन में घृणा का भाव आ रहा है, मन में जुगुप्सा का भाव, जो कि घृणा को ही जुगुप्सा कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो ये सब पढ़कर जब घृणा का भाव मन में आ रहा है, तो ये कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस। स्थायी भाव इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में आएगा जुगुप्सा। तो उदाहरण आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जहाँ पे घिन लगे, घृणा हो आपको, ऐसी परिस्थितियाँ वह जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न करती हैं, जो कि
विभत्र रस का स्थायी भाव है। तो आइए अब देखते हैं अपना अगला रस। तो आइए अब देखते हैं अद्भुत रस। देखिए, किसी अपूर्व असाधारण या अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न हुए मनोविकार को विस्मय कहते हैं। उस विस्मय से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ये जो विस्मय लिखा हुआ है, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पूछते हैं अद्भुत का स्थायी भाव, तो यहाँ पे हो जाएगा विस्मय, याद रखिएगा। तो आइए विभाव में देखते हैं। आलम्बन अलौकिक वस्तु, उद्दीपन अलौकिक वस्तु का चित्रण। देखिए, जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो जो लोक सीमा को पार कर रहा हो, बहुत बड़ी बात जहाँ पर हो रही हो, जिस पर आपको भरोसा ना हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। बहुत ही अलौकिक वस्तु होगी जो उसका कारण बनेगी, वो आपका आलम्बन हो जाएगा। और जो उसका चित्रण होगा, जो उस चीज़ को बढ़ाएगा, उद्दीप्त करेगा, वह आपका उद्दीपन हो जाएगा। अनुभव इसका है स्तब्ध हो जाना। जब आप ऐसा कुछ धोते हुए देखेंगे तो आप स्तब्ध रह ही जाएंगे। इसके संचारी भाव भ्रम, चिंता, शंका है। आइए अब चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। जो जनि भरिते ही बदन पसारा, कपि तनुकीन दुगुन विस्तारा। जैसे जैसे जो जन ने अपना शरीर को बड़ा किया है, विस्तार किया है, वैसे वैसे प्रभु श्री हनुमान जी ने अपने बदन का दुगुना विस्तार कर दिया है। ये सुंदर कांड की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आपकी किताबों में दी गई हैं, मैंने वहाँ से नहीं लिखा है, ये सुंदर कांड से मैंने उठाया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पुरानी पंक्तियाँ रिपीट नहीं होती हैं। कुछ नए एग्जाम्पल्स मैं आपको और दूंगा। ये रस की दूसरी वीडियो है, इसके बाद रस की एक वीडियो और आएगी, जिसमें मैं रस के आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तीसरी वीडियो आएगी, ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो उम्मीद है अद्भुत रस आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप कोई काव्य पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही अलौकिक चीज़ हो रही है, ये हर लोक सीमा को पार कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, तब वहाँ पर अद्भुत रस होगा। इसका स्थायी भाव परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, जरूर आएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। और अब बचा है हमारा अंतिम रस, शांत रस। तो आइए देखते हैं शांत रस। तो आइए अब देखते हैं अपना अंतिम रस, जो कि है शांत रस। इसकी परिभाषा, तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर सांसारिक वस्तुओं के प्रति हृदय में जो विरक्ति होती है, उसे निर्वेद कहते हैं। और ये निर्वेद ही शांत रस का स्थायी भाव होता है। जब आपके हृदय में निर्वेद या शम नामक दो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, तब आपको शांत रस का आनंद प्राप्त होता है। और इसका स्थायी भाव निर्वेद या शम हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से मैं जितना कहूँ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है निर्वेद और शम। निर्वेद भी पूछ लेता है, सम भी लिख देता है, किसके स्थायी भाव हैं, किस रस के, तो आपको बताना है शांत रस। इसका विभाव में देखते हैं। आलम्बन और उद्दीपन, सांसारिक वस्तुओं से उदासीन। और कारण क्या होगा कि जो व्यक्ति शांत रस में चला जाएगा, उसे सांसारिक वस्तुओं से मोह माया खत्म हो जाती है, तो वह व्यक्ति शांत रस में चला जाता है। उसका कारण क्या होते हैं, वो उद्दीप्त किन चीज़ों से होता है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना या तीर्थ यात्रा करना। जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हें सांसारिक मोह माया से लगाव नहीं रहता है और वो शांत रस का आनंद लेते हैं। अनुभव इसका क्या होता है, पश्चाताप और ग्लानी। ठीक है, जो आपके हाव भाव होंगे वो ये हो जाएंगे। संचारी भाव अगर देखें तो स्मरण, बोध, धृति हो जाएगा। उदाहरण इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है, बहुत ही पुराना उदाहरण है, मन रेतन कागज का पुतला, ला बूंद विनाश जाय छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो ये तो हो गया आपका शांत रस। शांत रस से एक प्रश्न और आता है परीक्षाओं में, इसे नौमा रस भी कहा जाता है। अगर पूछता है नौमा रस कौन सा है, तो भी आप कहेंगे कि शांत रस नौमा रस है। और भरत मुनि जी ने शांत रस को रस नहीं माना है। वो कहते हैं जब रस ही खत्म हो जाए, जब आनंद ही खत्म हो जाए, जहाँ पर सांसारिक मोह माया ही ना रहे, तो वहाँ पर रस कैसे हो सकता है। जब हम सांसारिक मोह माया से ही दूर हो गए, जितना भी रस जो आनंद होता है वो सांसारिक मोह माया में ही होता है, तो उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, नौमा रस पूछ सकता है कौन सा है, तो शांत रस हो जाएगा। तो रस को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।
उम्मीद करूंगा एक वीडियो आपको रस्की मैं और दे सकूं, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हों वो मैं आपको देना चाहूंगा। इसकी एक वीडियो और आएगी, कोशिश करूंगा कल तक दे दूँ आपको। तो उसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा रस से रिलेटेड, जो भी परीक्षा में आए हैं या जो आने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। और रस आज यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए हैं और आपको पढ़ना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और उसके बगल में घंटी बन के आएगी वो ज़रूर दबा देना, जिससे कि जब मैं अगली वीडियो डालूँगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा था कल वाली वीडियो में 150 से ऊपर व्यू हो चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सीधे पहुँचेगी आपके फ़ोन में। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जिसे भी हिंदी पढ़नी हो, उसके साथ ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।